दिल्ली के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में विकास कार्य को गति देने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने एक्शन प्लान बनाकर काम करने का निर्देश भी दिया। इसमें 900 करोड़ रुपए से दिल्ली के गांवों में 1387 कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्दियां शुरू होने से पहले काम पूरे करने हैं ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। वहीं गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में गांव की संख्या बहुत ज्यादा है, इसके लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गांव में सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं चुनाव से पहले बोर्ड की बैठक में 1387 कार्यों को पास किया था, जिसके तहत आज से काम शुरू कर दिया गया है। वहीं बोर्ड व एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया है कि डेडलाइन निर्धारित कर काम पूरा करें, साथ ही एक्शन प्लान भी तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि 19 जून को सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है, उनके विधानसभा में क्या काम होने हैं, क्या समस्याएं हैं, उस पर काम किया जाएगा। वहीं सभी विभागों का 27 और 28 जून को सचिवालय में कैंप लगाया जाएगा और सभी फाइलों का रुका हुआ काम भी पूरा किया जाएगा। इससे गाँव में विकास की गति को भी तेज कर सड़कें, सामुदायिक केंद्र आदि बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विकास की गति को तेज करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। दिल्ली में अर्बनाइज गांव और रूरल गांव की काफी बड़ी संख्या है। दिल्ली के गांवों के विकास के लिए केजरीवाल सरकार ने इस साल 2024 और 2025 के लिए अपने बजट में पहली बार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने दिल्ली के सभी गांवों को, चाहे वो अर्बनाइज हो और चाहे रूरल एरियाज में हो, सभी गांवों के विकास के लिए इस 900 करोड़ रुपए के लागत से काम करवाने के लिए जो दस्तर पे अपनी तैयारी आज से शुरू की है। हमने आज विलेज डेवलपमेंट बोर्ड, गांव विकास बोर्ड और एमसीडी जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट INFC जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इस बोर्ड के तहत ये दो एजेंसियां डेवलपमेंट का काम करती हैं। खास तौर से दिल्ली के गांवों की सभी जो सड़कें हैं उनके डेवलपमेंट को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है।